बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार अभिनेत्री नुसरत भरूचा इन दिनों अपनी फिल्म जनहित में जारी लेकर सुर्खियों में हैं। वह इस फिल्म का जोर शोर से प्रमोशन कर रही हैं। नुसरत इस फिल्म में कॉन्डोम बेचने वाली लड़की की भूमिका में नजर आएंगी। सोशल मीडिया के जरिए वह फिल्म जनहित में जारी का प्रमोशन कर रही हैं, जहां उन्हें ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा है, लेकिन ट्रोल करने वालों को नुसरत भरूचा ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हाल ही में नुसरत के वीडियो को देखने के बाद बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स ने नुसरत भरूचा के लिए भद्दे कमेंट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ट्रोल किया था। ट्रोल करने वालों के मैसेज पब्लिक करके नुसरत ने करारा जवाब दिया है। नुसरत भरूचा स्टारर जनहित में जारी का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया। लॉन्च इवेंट के दौरान जब नुसरत से ट्रोलर्स के मैसेज पब्लिक करने के उनके फैसले को लेकर बात की गई तो उनका कहना था, मतलब मुझे ना आज तक जितने लोगों ने पूछा है आप ट्रोलर्स का क्या रिस्पॉन्ड करते हो, हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट, व्हाट डू यू से, और हर इंटरव्यू में आज तक मैंने बोला मैं ट्रोल्स पढ़ती ही नहीं, मैं अपने पोस्ट के नीचे कॉमेंट्स पढ़ती नहीं। सो पर्सन जो ऑलरेडी अनअफेक्टेड था, ऑलरेडी अपनी ही जिंदगी से अपने ही, मतलब शी वॉज लिविंग हु शी वॉज, got affected by something like this, जहाँ पहली बार the trolls were really in my face, were really in my world, were really in and around me, I just had to say it. I mean, अगर आप ऐसे एक पिक्चर करो तो आपको बोलना ही पड़ेगा, वरना कोई सुनेगा नहीं, which is why when the team said कि आवाज़ उठाऊंगी तो उठाऊंगी, मतलब there was no other way for doing it or knowing it. It's something I felt कि मैं इग्नोर कर सकती थी, मैं उन ट्रोल्स को डिलीट कर सकती थी, मैं बट ऐसे नहीं यार, एक जवाब तो बनता है, तो जवाब दे दिया। इसके बाद जब नुसरत से पूछा गया कि जब पहली बार आपको ये किरदार दिया गया तो आपका रिएक्शन क्या था, तो उन्होंने कुछ यूं रिएक्ट किया, आई वाज ब्लोन अवे, आई सेड माइंड ब्लोइंग करते हैं, बिकॉज़ आई नो हिज वर्ल्ड, आई नो वेयर ही कम्स फ्रॉम, आई नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। मैंने जब आप एक इंसान के साथ काम करो ना, और हमने ड्रीम गर्ल के लिए पता नहीं कितने क्या कॉन्वर्सेशंस किए हैं, तो जब आपको एक इंसान का विजन समझ में आता है ना, तो फिर वो बात जो है ना कि कॉन्डम बेचने वाली लड़की, वो आपको खटकती नहीं है, फिर लगती बहुत मजा आएगा, ये कुछ करेंगे हम तगड़ा, वो विश्वास पहले से ही सेट हो जाता है।